नमस्कार, रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम खड़े उड़द की दाल बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। ये हमने एक कटोरी खड़े उड़द को लिया था और मैंने इसे 5 से 6 घंटे पहले भिगा दिया था। अगर आपको सुबह यह दाल बनानी है तो रात में भिगा दें तो बहुत अच्छी तरीके से भीग जाएगी और फूल जाएगी। मैंने इसे ओवरनाइट भिगा दिया था तो ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है और मैंने इसे पानी से बाहर निकाल लिया है। और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़े चम्मच हरी धनिया कटी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 कलियां लहसुन का, 1 प्याज और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस करके रखा है, आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने लिया है 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ी इलायची, 2 बड़े चम्मच हमने देसी घी लिया है। तड़का लगाने के लिए आप तेल भी ले सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 4 से 5 पिंच हमने हींग लिया है। हींग डालना बहुत ही जरूरी है, इससे दाल हमारी टेस्टी भी बनती है और डाइजेस्टिव भी होती है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दाल को बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर इसे हम डाल देंगे। मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी दाल लिया है तो इसी कटोरी से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये 2 कटोरी हमने पानी डाल दिया, टोटल इसके अंदर हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे। तो नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है तो 1 चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल देंगे। नमक डालने से दाल हमारी बहुत जल्दी पक भी जाती है और मैंने इसे पहले से भिगा कर भी रखा था, इससे ये दाल हमारी बहुत जल्दी पकेगी, नहीं तो इसे पकाने में बहुत टाइम लगता है। तो अब हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसे हमें पकाना है। तो फुल फ्लेम पर हम 2 सीटी आने देंगे, उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर इसे पका लेना है। उड़द दाल को पकने में टाइम लगता है तो इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, हम दाल को चेक कर लेते हैं। और इसे हम उठा करके देखेंगे, ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। आप देख सकते हैं ये उड़द हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो चलिए इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो कुकर को हम नीचे रखेंगे और गैस पर कोई बड़ा बर्तन रखेंगे, इसमें हमें दाल को तड़का लगाना है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, हम गैस को ऑन करेंगे और हम घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरीके से गर्म भी हो चुका है। तो इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे, आंच को धीमा कर देंगे जिससे मसाले हमारे जले ना। और इसके अंदर ये बड़ी इलायची डालेंगे, इसे थोड़ा सा फोड़ कर डालेंगे जिससे ये उछले ना। और दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च और 2 तेज पत्ता और इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर हींग डाल देंगे। धीमी आंच पर इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर इसे भी डालेंगे और इसे 10 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, इसे मैंने ग्रेट करके रखा है, 2 मिनट तक इसे भी भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और आंच को मीडियम कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तब तक इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर उड़द की दाल को डाल देंगे, इसे हल्का सा मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और इसे हम मसाले में डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगती है कि दाल हमारी काफ़ी पतली है या फिर गाढ़ी है तो इसमें आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और नमक भी टेस्ट करके ही डालना है क्योंकि मैंने उबालते समय इसमें नमक डाला था। इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं और इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे, आंच को मीडियम रखेंगे। दाल हमारी अच्छी तरीके से उबलने लगी है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और उसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे।
ढक्कन को हटाएंगे और दाल को चेक करेंगे। मैंने 3 से 4 मिनट तक दाल को पका लिया है। बहुत अच्छी तरीके से दाल हमारी पक चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकालते हैं। इसे हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं और हमारी खड़े उड़द की दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। गर्मा गर्म रोटी या फिर चावल के साथ इसे खाइए या दोस्ती के साथ खाइए। ये सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।